अब इसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इसमें टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और इसकी जो शर्त है एक्स और वाई का जो गुणनफल है वो वन से छोटा होना चाहिए। तो इसमें टैन इनवर्स एक्स को थीटा और टैन इनवर्स वाई को फाई ले लो, तो एक्स हो जाएगा टैन थीटा और वाई हो जाएगा टैन फाई। तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो टैन थीटा प्लस टैन फाई अपॉन वन माइनस टैन थीटा इंटू टैन फाई, वैल्यू वापस रख दीजिए, टैन थीटा एक्स है और टैन फाई जो है वो वाई है, तो वन माइनस एक्स वाई। अब दोनों पक्षों का टैन इनवर्स ले लो, एक्स वाई लेस देन वन इसी शर्त के हिसाब से सेट किया गया है कि आप टैन इनवर्स का अस्तित्व ले सकें, तो उसी के अकॉर्डिंग ये शर्त लगी हुई है। तो इस पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका रीजन यही है कि टैन इनवर्स का एप्लीकेशन तभी होगा जब एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन वन होगा। अब टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा प्लस फाइव, तो ये इलिमिनेट हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ टैन, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास थीटा प्लस फाइव, और राइट साइड में टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो अब थीटा की वैल्यू वापस फिर से रख दो, थीटा आपके पास है टैन इनवर्स एक्स, फाइव है टैन इनवर्स वाई, और राइट साइड में आ गया टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और शर्त दिमाग में रखेंगे कि टैन इनवर्स एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन वन मस्ट है, ये होना चाहिए। अगर जैसे ही वन से बड़ा होगा या वन से छोटा, वन से बड़ा हो जाएगा, बराबर वन पे तो डिस्कस ही नहीं करना है, तो ये वायलेट कर जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दिक्कत होगी, हाँ ठीक है। टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई, पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब यहीं पे शर्त जो है वो बदल जाएगी, एक्स और वाई का गुणनफल जो है वो ग्रेटर देन वन होगा। तो पहले फार्मूले से कैसे डिफर करेगा, पहले में बताया गया है कि एक्स वाई जो है वो लेस देन वन होगा। तो इसमें आप एक काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए समझने के लिए। तो एक वैल्यू ले लिया टेन इनवर्स वन और एक ले लिया टेन इनवर्स रूट थ्री। टेन इनवर्स वन आपको मालूम है पाई बाई फोर होता है, और टेन इनवर्स रूट थ्री जो है वो पाई बाई थ्री होता है, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आएगा सेवन पाई बाई ट्वेल्व। अब ये फार्मूला जरा यहाँ पे देख लीजिए, जो इसके पहले वाला फार्मूला है, तो टेन इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड अपॉन वन माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे निगेटिव है, वन माइनस रूट थ्री है, तो इसमें से निगेटिव साइन बाहर निकाल लिए, तो ये निगेटिव साइन टैन इनवर्स का प्रॉपर्टी बताया गया है आपको, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ टैन इनवर्स होता है, तो ये निगेटिव साइन बाहर आएगा। अब इसके बाद रूट थ्री से डिवाइड कर दीजिए, तो वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री अपॉन वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री। अब वैल्यू लिख लो इसका, टैन वन जो है वो टैन पाई बाई फोर हो जाएगा, और टैन वन अपॉन रूट थ्री टेन पाई बाई सिक्स अपॉन वन माइनस वन इंटू आप अटैच कर सकते हैं यहां पे, तो ये आ जाएगा टेन पाई बाई फोर इंटू टेन पाई बाई सिक्स। तो ये टेन का फार्मूला आ गया, टेन ए प्लस बी, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स, तो ये ऐड करेंगे आप, टेन इनवर्स ऑफ टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया माइनस फाइव पाई बाई ट्वेल्व। और बायां पक्ष जो हम लोग इस फार्मूले का लिखे हैं वो सेवन पाई बाई ट्वेल्व है, और हमें ये लाना है माइनस फाइव पाई बाई ट्वेल्व। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यहां पे देखो, फार्मूले में पाई को जोड़ा गया है, क्यों जोड़ा गया है यहां पे देख लीजिए आप, अगर इसमें आप पाई जोड़ देंगे तो पाई जोड़ेंगे किसके साथ, इस वैल्यू के साथ, तो ये वैल्यू निकाले हैं अलग से, कितना आया है माइनस फाइव पाई बाई ट्वेल्व है। अब इसमें जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 12, तो ये आ गया 7 पाई बाई 12। अब यहां पे ये वैल्यू जो है वो मैच कर जाएगा, 7 पाई बाई 12 और 7 पाई बाई 12 दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए इस फार्मूले में एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पाई को ऐड करके लगाते हैं, अगर x और y का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 है तो
पाई जोड़ के फार्मूला बनेगा और लेस देन वन है तो सेम फार्मूला लगेगा, एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई के साथ वन माइनस एक्स वाई रहेगा और यहां पे चेंज हो रहा है एक्स वाई ग्रेटर देन वन आएगा। तो ये दिमाग में रखिएगा, अगर ऐसा रेशियो मिलता है किसी क्वेश्चन में तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, इस पे आप जरूर फोकस करेंगे। दैट्स ऑल।